क्या पेड़ हमारी मनोकामना पूरी करते हैं? मित्रों, आज इसी जानकारी को लेकर के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हिंदू धर्म में पेड़ पौधों से संबंधित जो पूजा पाठ बताई गई है उसका कितना महत्व है। क्या वाकई में पेड़ पौधे हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं? क्या वाकई पेड़ों के अंदर देवताओं का वास है? नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं JDJ एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेलपत्र, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है वह पुण्य आत्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसी तरह धर्मशास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों के महत्व की विवेचना की गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है। क्या सचमुच में देवताओं का वास होता है या कि वृक्ष महज एक वृक्ष से ज़्यादा कुछ और नहीं है जिसे व्यक्ति कभी भी काट कर जला सकता है और वह वृक्ष उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या यह सच है? आखिर वृक्षों की पूजा के पीछे क्या वैज्ञानिक, धार्मिक और प्राकृतिक कारण है? वृक्ष का होना कितना महत्वपूर्ण है? आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं क्या वृक्ष में सचमुच देवता होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, वृक्ष में मैं पीपल हूँ, मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणा, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। यानी कि अर्थात इसके मूल में ब्रह्म, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास होता है। इसी कारण अश्वत्थ नामधारी वृक्ष को नमन किया जाता है। दरअसल वृक्ष हमारी धरती पर जीवन का प्रथम प्रारंभ है। जीवों ने या कहें आत्मा में सर्वप्रथम प्राण रूप में खुद को वृक्ष के रूप में ही अभिव्यक्त किया था। जब धरती पर स्वतंत्र जीव नहीं थे तब वृक्ष ही जीव थे, यही जीवन का विस्तार करने वाले थे जो आज भी हैं। इसके बाद जब चेतना परम पद को प्राप्त कर लेती है तो वह वृक्षों में जैसी ही स्थित हो जाती है। अनंत ऐसी आत्माएँ हैं जिन्होंने वृक्ष को अपना शरीर बनाया है। वृक्ष इस धरती पर ईश्वर के प्रथम प्रतिनिधि या दूत हैं। वेद शास्त्रों और पुराणों को पढ़ने पर इस बात का खुलासा होता है, क्योंकि तहम पुनि संभु समुझीपन आसन बैठे बट तर करिकमलासन। यानी कि कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी बट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं, यह रामचरितमानस कहता है। मित्रों, क्या वृक्ष के समक्ष खड़े होकर मन्नत मांगने से पूर्ण होती है? अब सवाल यह उठता है। तो धरती के दो छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। वृक्ष इन दोनों ध्रुवों से कनेक्ट रहकर धरती और आकाश के बीच ऊर्जा का एक सकारात्मक वर्तुल्य बनाते हैं। वृक्ष का संबंध या जुड़ाव जितना धरती से होता है उससे ज़्यादा कई गुना आकाश से होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि धरती के वृक्ष ऊंचे आसमानों में स्थित बादलों को आकर्षित करते हैं। जिस क्षेत्र में जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे वहां वर्षा उतनी ज़्यादा होगी। धरती के वर्षा वनों के समाप्त हो जाने पर धरती पर से वर्षा ऋतु का संतुलन भी बिगड़ने लगा है, जिसके चलते कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के नज़ारे देखने को मिलते हैं। खैर, ये तो सिद्ध होता है कि वृक्षों का संबंध आकाश से है। यदि आप किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्ष के झुंड के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगते हो तो यहाँ आकर्षण का नियम तेजी से काम करने लगता है। वृक्ष आपके संदेश को ब्रह्मांड तक फैलाने की क्षमता रखते हैं और एक दिन ऐसा होता है जब ब्रह्मांड में गया सपना हकीकत बनकर लौटता है। वैज्ञानिक कहते हैं मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पल्ला भारी है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार हैं तो मिश्रित भविष्य होगा।
जो भी विचार निरंतर आ रहा है वह धारणा का रूप धर लेता है। ब्रह्मांड में इस रूप की तस्वीर पहुंच जाती है, फिर जब वह पुनः आपके पास लौटती है तो उस तस्वीर अनुसार आपके आसपास वैसे घटनाक्रम निर्मित हो जाते हैं। अर्थात योग अनुसार विचार ही वस्तु बन जाते हैं। यदि आप निरंतर वृक्ष की सकारात्मक ऊर्जा के वर्तुल्य में रहते हैं तो आपके सोचे सपने सच होने लगते हैं। इसीलिए वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। मित्रों, जब आप वृक्ष के नज़दीक जाकर के उनसे किसी भी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं तो वृक्ष उस मनोकामनाओं को अंतरिक्ष में पहुंचा देते हैं और उस अंतरिक्ष में आपकी बोली हुई मनोकामना आपके पास लौट कर आती है और वह आपका सपना पूरा हो जाता है, यानी कि वह कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वाकई में वृक्षों के अंदर देवताओं का वास है या वृक्ष हमें देवताओं से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।